काली अमावस की रात का सन्नाटा ऊटी के उस भयानक जंगल को और भी ज़्यादा हैरान करने वाला बना रहा था। हवा तेज और बेहद ठंडी चल रही थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। जंगल के बड़े बड़े घने पेड़ जैसे अपना सीना ताने खड़े थे। जंगली जानवरों की आवाज़ें उस जंगल में अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। मगर उस जंगल में एक 27 वर्षीय नौजवान जिसका नाम अक्षय था, बेहद उदास चेहरा लिए हुए चुपचाप खड़ा था और आसमान को ही घूरे जा रहा था। उसके खड़े होने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे जंगली जानवरों और इस भयावह माहौल से कोई फर्क ही न पड़ता हो। अक्षय की आंखों में आंसू थे। वो बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक अक्षय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आगे से कोई बहुत ही तेज़ी से गुजरा हो। एक बेहद ठंडी तेज हवा का थपेरा उसके चेहरे से टकराया। अक्षय अपनी सोच से बाहर आ गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह सामने एक पीपल के पेड़ पर पड़ी जो अंधेरे और कोहरे के बीच भी अजीब सी रोशनी में चमक रहा था। वह पेड़ बहुत पुराना मालूम होता था। उस घने पीपल के पेड़ की मोटी मोटी शाखाएँ दूर दूर तक जमीन पर फैली हुई थी और उस पेड़ के नीचे एक अगोरी आंख बंद किए हुए एक बड़े से गोल घेरे के बीच बैठा था जो इंसानी हड्डियों की माला पहने हुए था। उस अघोरी के होंठ हिल रहे थे। अक्षय के कदम खुद ब खुद उस अघोरी की तरफ चल दिए। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया। अक्षय लड़खड़ाता हुआ उस गोल घेरे को तोड़ता हुआ उसी अघोरी के ऊपर गिर गया। अघोरी गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसने क्रोध में अक्षय की ओर देखकर कहा, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तूने मेरी परसों की साधना को विफल कर दिया। बस कुछ देर की बात और थी, मैं वो द्वार खोलने में सफल हो ही गया था, लेकिन तेरी वजह से मैं नाकामयाब हो गया। तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे, मूर्ख लड़के। अक्षय की नज़र जब उस क्रोधित अघोरी की लाल आंखों पर पड़ी, वो बुरी तरह से सहम गया। पता नहीं उस अघोरी की आंखों में ऐसा क्या था कि जो अक्षय इस भयानक जंगल में इस अमावस की रात से भी नहीं घबराया, वो उस अघोरी की लाल आंखें देखकर घबरा गया। वो अजीब से अंदाज में चमक रही थी। अक्षय घबराई हुई नज़रों से देखने लगा। अघोरी बोला, चाहूँ तो मैं तेरी इसी वक्त जान ले सकता हूँ मूर्ख लड़के, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियाँ इसका अंजाम भुग देंगी। अक्षय जो पहले से ही उदास और अब डरा हुआ था, वो बोला, इससे तो अच्छा है बाबा, तुम मुझे जान से ही मार दो। वैसे भी मैं यहाँ मरने के लिए ही आया था, वरना आप ही बताओ इस काली अंधेरी रात में इस जंगल में मैं यहाँ क्या करने आऊँगा। अघोरी बोला, अगर मरना ही था तो जहर खा लेता, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता, उसके लिए तुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। अक्षय बोला, जीते जी तो मैं किसी के काम ना आ सका, सोचा था मरने के बाद किसी जंगली जानवर के ही काम आ जाऊं। अघोरी ने देखा कि अक्षय की आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं है। ये देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वह कुटिल मुस्कान लिए अक्षय से बोला, तू इस संसार का ठुकराया हुआ मनुष्य लगता है। इस संसार से तंग आ चुके मनुष्य ही जंगलों का रुख करते हैं। तेरी आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं है बच्चे, और जिनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं होता वो अजय होता है। अक्षय बोला, काहे का अजय बाबा, मैं तो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर पराजय ही हुआ हूँ। आंखें गरीबी में खुली, एक अनाथालय में, एक गर्लफ्रेंड भी थी वो भी चली गई, कर्जदार पीछे पड़े हैं। अघोरी बोला, अगर तू चाहे तो संसार का हर सुख पा सकता है, धन दौलत, नौकर चाकर, मंगले गाड़ियाँ सब तेरे कदमों में होंगे। अघोरी की बात सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई। अक्षय बोला, क्या ये सब मुमकिन है? अघोरी बोला, क्यों नहीं, तंत्र साधना में सब कुछ मुमकिन है। अक्षय के मन में अचानक एक लालच ने जन्म ले लिया। अक्षय बोला, मुझे क्या करना होगा बाबा? अक्षय की बात सुनकर अघोरी ने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया। अचानक उसके हाथ में एक प्राचीन किताब आ गई। यह देखकर अक्षय हैरान हो गया। अघोरी ने उस प्राचीन किताब को अक्षय को पकड़ा दिया। किताब के हाथ में आते ही अक्षय को अपने अंदर एक अजीब सा अनुभव हुआ। अक्षय उस किताब को देखने लगा। उस किताब के कवर पर एक बेहद खूबसूरत चित्र बना हुआ था।
और उस किताब का नाम यक्षिणी था। अघोरी बोला, यह वह प्राचीन किताब है जिसने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल दी। तुझे यक्षिणी साधना करनी होगी, कर पाएगा क्या? अक्षय बोला, जिस संसार ने मुझे मेरी गरीबी की वजह से ठुकराया, उसे नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अघोरी धीरे धीरे कदमों से चलकर अक्षय के नज़दीक आकर बोला, तो फिर जाकर ठीक उसी जगह बैठ जा जहाँ मैं बैठा हुआ था। अक्षय किताब लेकर उसी पीपल के घने पेड़ के नीचे उस गोल घेरे के अंदर जाकर बैठ गया। अघोरी बोला, इस किताब के 11वें पन्ने पर कुछ मंत्र लिखे हैं, तुझे 11 दिन तक उन मंत्रों का जाप करना है। भूखा प्यासा रहकर याद रख, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने बहुत से दिल दहला देने वाला दृश्य आएंगे, लेकिन वह सब तेरा भ्रम होगा, सच्चाई नहीं। किसी भी कीमत पर इस गोले से बाहर मत निकलना, वरना तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। ठीक 11वें दिन की रात को यक्षिणी तेरे सामने इसी गोल घेरे के अंदर प्रकट होगी। वह तेरे सामने कुछ शर्तें रखेगी, उन शर्तों को मान लेना। अक्षय बोला, बाबा मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ बताओ। अघोरी बोला, यक्षिणी यक्षलोक की वासी होती है, बेहद सुंदर स्त्री होती है, मगर वह इंसान नहीं होती, और उस लोक का द्वार कुछ दुर्लभ पीपल के पेड़ पर ही खुलता है, जिसे सिर्फ तंत्र मंत्र की शक्ति से देखा और खोला जा सकता है। जहाँ तू बैठा है वो पीपल का पेड़ हजारों साल पुराना है। यक्षिणी तुझे संसार की हर वस्तु लाकर तुझे दे सकती है, देखते ही देखते तेरे दिन बदल जाएंगे। अब देर मत कर, आज से और अभी से मंत्र जाप करना शुरू कर दे। इतना कहकर वो अघोरी वहाँ से चला गया और अक्षय की नज़रों से छुपकर दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर कुटिल मुस्कान लिए अक्षय को देखने लगा। उस अघोरी की लाल आँखें रात के अंधेरे में किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थी। देखते ही देखते वो अघोरी वहाँ से गायब हो गया। अक्षय के दिल में लालच ने जन्म ले लिया था। मोह माया में अंधा होकर वह यह भूल गया कि वह क्या करने जा रहा था। उसने अपनी आँखें बंद कर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्रों का जाप करते करते सुबह हो गई और दूसरी रात बीत गई। अक्षय भूखा प्यासा लगातार मंत्रों का जाप करता रहा। मंत्रों का जाप करते हुए आज अक्षय की चौथी रात थी। अचानक उसके कानों में उसकी गर्लफ्रेंड लिली की रोने की आवाज़ टकराई। अक्षय ने देखा, उसके सामने लिली खड़ी हुई उसे देखकर रो रही थी। लिली बोली, ये तुम क्या करने बैठ गए अक्षय? तुमसे मैंने जरा सी गुस्से से बात क्या कर ली, तुम इतने नाराज हो गए? अक्षय मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। देखो मैं तुम्हारा फेवरेट फूड चिकन फ्राई और दाल मखनी लेकर आई हूँ। मुझे पता था तुमने खाना नहीं खाया होगा। चलो उठो यहाँ से। लिली और खाने को देखकर एक बार अक्षय का ध्यान भटका जरूर, लेकिन वह चार रातों से भूखा प्यासा था, मगर उसे बाबा की बात याद आ गई। अक्षय ने मंत्र का जाप जारी रखा। कुछ ही देर बाद लिली हवा बनकर उड़ गई। 8वीं रात अचानक अक्षय के सामने धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से लिली अपना कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर उस बवंडर से बाहर निकलकर अक्षय के सामने आ गई। उसका कटा हुआ सिर अक्षय को देखकर हंस रहा था। रात के अंधेरे में यह दृश्य अक्षय के लिए दिल दहला देने वाला था। कटे हुए सिर ने हंसते हुए अक्षय से कहा, तू यह सब कुछ लिली के लिए ही कर रहा है ना? देख, जिन लोगों से तूने पैसे उधार लिए थे उन्होंने तेरी लिली को मार दिया। इतना कहकर लिली के धर ने अपना कटा हुआ सिर उठाकर अक्षय की ओर फेंका। अचानक अपनी ओर लिली का कटा हुआ सिर आता देख अक्षय घबरा गया और घबरा कर खड़ा हो गया। वह उस घेरे से बाहर आने ही वाला था कि उसे बाबा की बात फिर से याद आ गई। वह तुरंत बैठ गया और अपने आँखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ने लगा, मगर बंद आँखों के बावजूद अक्षय को यह नज़ारा बार बार दिखाई दे रहा था, मानो उसने आँखें बंद ही ना की हो। मगर अक्षय ने हिम्मत नहीं हारी, वह लगातार मंत्रों का जाप करता रहा। 11वीं रात तक अक्षय भूख और प्यास से निडाल हो चुका था। उसे अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। प्यास के मारे उसका दम निकले जा रहा था, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक उसके कानों में एक स्त्री की सुरीली आवाज़ टकराई, आँखें खोलो अक्षय,
तुम्हारी साधना सफल हुई। अक्षय ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। उसके सामने उस गोल घेरे के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी हुई थी जो उसे ध्यान से घूर रही थी। इस सुंदरता ऐसी थी मानो कोई दिव्य शक्ति इसके चेहरे पर झलक रही हो। अक्षय उसकी आंखों में खोते हुए धीरे से बोला, कौन हो तुम? स्त्री ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं यक्षिणी हूँ। अक्षय के दिमाग में अघोरी की कही हुई बात दौड़ गई। अघोरी ने कहा था ठीक 11वीं रात में यक्षिणी इस गोल घेरे में प्रकट होगी। अक्षय यक्षिणी की खूबसूरती में खो गया। वो उसकी खूबसूरती देखकर अपनी भूख प्यास सब भूल बैठा। वह बस यक्षिणी को देखता जा रहा था। यक्षिणी बोली, मैं आ गई अक्षय, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। अक्षय बोला, मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा क्या तुम वो सब मुझे लाकर दोगी? यक्षिणी बोली, हाँ अक्षय, आज के बाद तुम जिस चीज़ की भी इच्छा करोगे वो मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी, सिवाय एक इच्छा के। यक्षिणी की आवाज़ सुनकर अक्षय चौंक गया। अक्षय बोला, और वो क्या है? यक्षिणी बोली, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, क्या तुम मेरी हर शर्त मानोगे? यक्षिणी के सम्मोहन में खोए अक्षय ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसके दिमाग में अघोरी की कही हुई बात चल रही थी, क्योंकि अघोरी ने कहा था कि यक्षिणी तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखेगी, उन शर्तों को तुम मान लेना। अक्षय बोला, हाँ मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। यक्षिणी बोली, पहले शर्तें तो सुन लेते अक्षय, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने बोल ही दिया है तो तुम्हें शर्त माननी ही होंगी। मेरी पहली शर्त यह है, तुम्हें हर रात मेरे लिए कच्चा मांस लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझसे कभी भी वापस जाने के लिए नहीं कहोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी और आज़ाद हो जाऊंगी। मेरी तीसरी शर्त यह है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, और एक पति अपनी पत्नी को जो शारीरिक सुख देता है वो तुम मुझे दोगे। मेरी दो शर्तें और हैं, वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। अक्षय बोला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं बस धन दौलत, बंगला, गाड़ी, संसार का हर ऐसो आराम चाहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अक्षय के बेहद नज़दीक आ गई। यक्षिणी बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे प्रिय अक्षय। अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में एक बार फिर से खो गया। वो नादान नहीं जानता था कि बगैर शर्त सुने उसने यक्षिणी की सारी शर्तें मानकर क्या मुसीबत मोल ले ली थी। कहते हैं इंसान की फितरत में ही जल्दीबाजी होती है, और वो इसी जल्दीबाजी की वजह से खुद को मुसीबत में डाल लेता है। बहुत देर तक यक्षिणी को निहारने के बाद अक्षय यक्षिणी की ओर देखकर बोला, वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? यक्षिणी बोली, तुम मुझे जिस नाम से चाहो पुकार सकते हो, मोहिनी, रागिनी या जो नाम तुम्हें पसंद हो। अक्षय बोला, मैं तुम्हें रागिनी के नाम से बुलाया करूँगा। यक्षिणी बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी अक्षय, याद रखना अक्षय, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साये की तरह रहूँगी, सिर्फ तुम मुझे देख सकोगे, मुझे कोई दूसरा नहीं देख सकेगा। हाँ, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक मैं तुम्हारी आँखों के सामने हमेशा रहूँगी।